चेन्नई में फंसी 36 महिला प्रवासियों की सकुशल वापसी, झारखंड के सीएम की सार्थक पहल। एलएपी एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच लगाकर धनबाद लाई गई महिलाएं। चेन्नई में सिलाई का काम करती थी महिलाएं, लॉकडाउन में ठप पड़े रोजगार, झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली महिलाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से चेन्नई में फंसी 36 प्रवासी महिलाएं कामगारों को एलएपी एक्सप्रेस से सुरक्षित धनबाद लाया गया। सभी महिलाएं झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली हैं। रोजगार के लिए सभी तमिलनाडु गई थी, सभी सिलाई का काम करती थी। लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से सभी के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। रोजगार खत्म हो जाने से सभी अपने प्रदेश लौटने का मन बना लिए, परंतु चेन्नई से झारखंड आने में हो रही परेशानी के कारण महीनों से वहां फंसी थी। सुहागनी टुडू, कहां की रहने वाली है? धनबाद। दुमका जिला रामेश्वर पड़कर, धनबसा पंचायत। तमिलनाडु में क्या कर रही थी आप? सिलाई का काम। तो क्या वहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से आप लोग को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा था? सभी लोग रोजगार के लिए गए होते हैं साउथ में, वहाँ लॉकडाउन में फंस गए। जब हम लोगों को जानकारी हुआ तो हम लोगों ने संज्ञान में लेकर वहाँ से इन लोगों को ट्रेन द्वारा लाया गया, और स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी संज्ञान में दिए, राज्य सरकार ने पहल किया और इनको आज एलएपी एक्सप्रेस से यहाँ धनबाद लाया गया। अब इन्हें बस द्वारा इनका जिला धनबाद पहुँचाया जाएगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं। कोरोना जैसे समय में भी इन्होंने प्रवासी मजदूर हो चाहे हमारे राज्य के मजदूर हो, जिस समय संज्ञान में लेते हैं, हम लोग आशा करते हैं कि किसी भी तरह का समस्या आएगा तो उसका निदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इसका पहल कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई मांगे सर। इनके आगे के जीविका उपार्जन के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये तो प्रक्रिया है कि आगे का क्या होगा। तो आगे अभी तो हम लोग प्रवासी मजदूर को लाए हैं, यहाँ रोजगार सृजन करने का कई सरकार ने इस तरह का बात रखा है सामने। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारे राज्य में ही इन लोगों को रोजगार मिले, जिससे इन लोगों का पलायन दूसरी जगह नहीं हो। इसके लिए राज्य सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे, योग्यता के अनुरूप इन लोग निश्चित रूप से रोजगार यहाँ झारखंड में। कितने लड़के हैं इन लोग? अभी 36 लड़के हैं जो है अभी बस द्वारा दुमका। सामाजिक संस्था शुभ संदेश फाउंडेशन को जैसे ही महिला कामगारों के चेन्नई में फंसे होने की जानकारी मिली, फाउंडेशन की टीम उन्हें सकुशल उनके घर पहुंचाने की कवायद में जुट गई। स्थानीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं अन्य जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में त्वरित कदम उठाते हुए रेलवे से वार्ता कर इस दिशा में सार्थक पहल की। कहां की रहने वाली है? दुमका का। अभी कहाँ से आ रही हैं आप? तमिलनाडु। वहाँ क्या काम करते थे? सिलाई सीखते थे। क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ पे? काम बंद हो गया था। क्या कुछ परेशानी क्या हो रहा था वहाँ? काम बंद हो गया था। एलएपी में एक्स्ट्रा कोच जोड़कर सभी 36 महिला कामगारों को धनबाद लाया गया, जहाँ से सभी को बसों से दुमका रवाना कर दिया गया। फाउंडेशन के सदस्य ने बताया अब तक 1400 प्रवासी मजदूरों देश के विभिन्न राज्यों से रेस्क्यू कर सकुशल उन्हें उनके घर पहुंचाया है। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा सूबे के मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों को लेकर गंभीर हैं, जहां कहीं भी प्रवासी मजदूर फंसे हैं उन्हें उनके प्रदेश लाने का कार्य हेमंत सोरेन संजीदगी से करते आ रहे हैं। वर्तमान सरकार पलायन रोकने की दिशा में भी गंभीर कदम उठा रही है। राज्य के अंदर ही रोजगार सृजन के उपाय किए जा रहे हैं ताकि झारखंड की जनता को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन ना करना पड़े। जो इसका इस संस्था का हमें सीईओ हैं, हम लोग ने इस कोरोना के दौरान 1400 से ज़्यादा हम लोग लोगों को प्रवासी मजदूरों को वापस लाया है, जिसमें हमारे माननीय सीएम साहब हेमंत जी और हमारे बहुत सारे विधायक लोग ने सहयोग किया ताकि हमारे प्रवासी लोगों को वापस ले आया जाए। इसमें इन लोगों का एक कॉल आया था हमारे हॉटलाइन में,
कौन लोग हैं? ये जो 36 लड़की लोग जो तिरुपुर में फंसे हुए थे उन लोग से हॉटलाइन में हमारे पास कॉल आया। कॉल के द्वारा फिर हम लोग ने पता किया, उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए हम लोग प्रयास किए। वहाँ से हम लोग ने टिकट भी करवाया। टिकट करवाने से फिर हम लोग माननीय मथुरा बाबू जी से हम लोग ने करवा करके फिर उसको हम लोग सही सलामत यहाँ वापस पहुँचाए हैं। उन लोग को वहाँ पर बहुत परेशानी थी, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें दबाए हुए थे। हमारे माननीय MLA साहब और बाकी बहुत लोग की मदद से यहाँ से छुड़ा करके लाया गया है। और हमारा यही है कि लगातार हमारे प्रयास है कि कोई भी फंसे हुए प्रवासी मजदूर है पूरे भारत में, अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कम से कम 100 जन से ऊपर, तो अभी भी जयपुर कोयम्बतूर बहुत जगह में फंसे उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है कर्नाटक। और जस्ट 5 दिन के पहले हम लोग कर्नाटक से हम लोग 10 जन जो आए थे हमारे पहल से आए थे, वहाँ से लगातार हमारा रहेगा ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर बाहर में रहे उनको सही सलामत वापस पहुँचाने का प्रयास किया जाए। आप लोगों की कौन सी संस्था है? हमारा संस्था का नाम है शुभ संदेश फाउंडेशन। अभी क्या करेंगे ये लड़कियाँ लोग? लड़की लोग को सही सलामत हम लोग क्वारंटीन सेंटर वापस भेजा जाएगा। हमारे रिस्पेक्टेड DC मैडम के द्वारा उन लोग को वहाँ पर रखा जाएगा क्योंकि क्वारंटीन दूर से आए हैं। पर हमारे तरफ से राशन हो गया है, उनका पर्सनल हाइजीन का सामान हो गया, सबको हम लोग उनके लिए उपलब्ध करेंगे। साथ साथ में जब घर वापस जाएंगे उनको आगे बढ़ने में और कोई भी घर की परेशानी हम लोग सहयोग लगातार हम लोग जारी करेंगे। सर अभी स्टेशन पर क्या कुछ मामला है सर? ये नहीं, मामला कुछ नहीं है। ये चेन्नई में दुमका की 36 लड़कियाँ विभिन्न कार्यों में लगे हुई थी, जहाँ वहाँ कार्य नहीं मिलने के कारण ये परेशानी में थी और ये फंसी हुई थी। वहाँ से आने के लिए इनको सुविधा नहीं थी। राज्य सरकार के संज्ञान में ये बात जैसे ही आई, मुख्यमंत्री ने इस पर आदेश निर्गत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और परिवहन विभाग ने इस पर उनके आदेश का क्रियान्वयन करते हुए रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात कर LFP ट्रेन में एक अलग से बोगी की व्यवस्था करके इनको यहाँ तक लाने का व्यवस्था सुनिश्चित किया गया।